हेलो माय ऑल डेयर स्टूडेंट्स सो स्टार्ट करें हम लोग हमारे आज के लेक्चर के साथ वी आर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम तो आप लोग वो लेक्चर्स देख सकते हैं बिकॉज उन लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे बेसिक्स डिस्कस किए हैं ओके वी हैव डिस्कस्ड वी हैव लर्न दैट वॉट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू एंशियन सिस्टम करेंट सिस्टम एंड देन uh, we uh, made a very good chart that is about the classification of diseases theek hai and at last we also discussed about bacterial diseases in a very very good tabular form जिसमें हम लोगों ने lagbhag uh, uh, 9 ya 10 bacterial disease discuss ki thi theek hai Uh, एक बार फटाफट से उनका नाम revise कर लेते हैं कौन कौन सी bacterial diseases थी uh, three intestinal disease हमने discuss की थी बच्चों that is typhoid then cholera and then bacillary dysentery okay एंड देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच आर अगेन बैक्टीरियल जिसमें निमोनिया विच इज गिवन इन योर एनसीआर टी ठीक है डिप्थीरिया वी हैव डिस्कस्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड गर्ल घो टू डिजीज ओके एंड डिप्थीरिया निमोनिया एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लेट मी चेक माई लिस्ट येस वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड मूपिंग काफ ऑल्सो है ना पर्टोस जिसको कहा जाता है डीपीटी का वैक्सीन मैंने आपको बताया था जिसमें टी स्टैंड फॉर टेटनस सो वी ऑल्सो डिस्कस द डिजीज टेटनस एंड लास्ट में हम लोगों ने माइक्रो uh, बैक्टीरियम से होने वाले डिजीज डिस्कस किए थे वन इज टी बी दैट इज ट्यूबर के एंड वन इज लैप्रेसी ठीक है और सबसे आखिरी में हमने डिस्कस किया था जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज प्लेग

कि जो ब्लैक डेथ डिजीज़ है दैट इज़ प्लेग तो उसके ट्रांसमिशन में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लैक डेथ जो डिजीज़ है प्लेग जिसको हम कहते हैं ब्यूबॉनिक प्लेग इज़ ऑल्सो द कॉमन फॉर्म तो जो प्लेग है वो रेड बाइट की वजह से होती है बट नहीं बच्चों जो प्लेग का बैक्टीरिया है क्या नाम लिखा था हमने रिकॉल करिए अपने माइंड में यस यर्सिनिया पेस्टिस तो प्लेग का जो बैक्टीरिया है यर्सिनिया पेस्टिस वो रेड के सलाइवा में नहीं होता है अगर वो रेड की सलाइवा में होता तो रेड बाइट से आपको हो सकता था दैट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ रेड है ना रेड के ब्लड में है वो यानी रेड को वो इन्फेक्ट कर चुका है अब अगर उस इंफेक्टेड रेड के ब्लड को एक रेड फ्ली बाइट करती है क्योंकि रेड फ्ली किस पर फीड करती है रेड के ब्लड पर तो जब वो रेड को बाइट करती है दैट फ्ली तो ब्लड के साथ साथ वो बैक्टीरिया फ्ली में भी चला जाता है फ्ली भी इन्फेक्टेड हो जाती है अब वो जो फ्ली है वो फ्ली जब ह्यूमन को बाइट करती है ठीक है मैंने आपको उसका रीज़न बताया था कि जो रेड फ्ली है वो इंटेंशनली हमें बाइट नहीं करती है बट उस वो जब रेड का ब्लड स्वेलो करती है हाँ तो यर्सिनिया पेस्टिस अगर उसमें है तो उसके ईसोफेगस में एक क्लॉट टाइप बन जाता है जिसकी वजह से उसको उस ब्लड को रिगर्जिटेट करना होता है उसे स्वेलो नहीं कर पाती है तो ट्राई टू हिट द सर्फेसिस तो उस चक्कर में वो ह्यूमन को भी बाइट करती है ठीक है तो जब वो ह्यूमन को बाइट करती है तो वो जो इन्फेक्टेड ब्लड है ब्लड है रेड का वो रिगर्जिटेट हो जाता है और ह्यूमन के ब्लड में भी दैट बैक्टीरिया विल एंटर तो क्लियर है कि ह्यूमन को ये डिजीज़ कहाँ से मिली नो डाउट रेड से मिली बट डायरेक्टली रेड से नहीं मिली बल्कि रेड को जब रेड फ्ली ने बाइट किया और उसी रेड फ्ली ने जब ह्यूमन को बाइट किया दैन ओनली वी गेट दिस डिजीज है ना तो ना तो ये डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन होगी क्यों क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली ना ये डिजीज़ रेड टू ह्यूमन डायरेक्टली होगी रेड टू ह्यूमन होगी बट उसके बीच में वैक्टर कौन रहेगा मेन वैक्टर ये रेड फ्ली तो अगर आपके नीट में क्वेश्चन आता है कि विच इज द प्राइमरी वैक्टर ऑफ दिस डिजीज देन यू हैव टू चूज विच आंसर येस यू हैव टू चूज रेड फ्ली जो कि रेड फ्ली के नाम से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा उसका साइंटिफिक नेम आपको दिया हुआ होगा दैट इज जिनोपसेला चिओप्सिस वी हैव रिटन दिस नेम ओके ठीक है हाँ रेड भी पे एक वेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है बट उसे सिर्फ सेकेंडरी वेक्टर माना जाएगा क्योंकि हमें डायरेक्टली जो ये डिजीज मिल रही है वो फ्ली के थ्रू मिल रही है ठीक है हाँ रेड टू रेड भी ये डिजीज होगी अगेन वाया फ्ली रेड टू ह्यूमन ये डिजीज़ होगी अगेन वाया फ्ली बट ह्यूमन टू ह्यूमन दिस डिजीज विल नॉट बी ट्रांसमिटेड ठीक है क्लियर तो दिस इज अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग विच यू हैव आस्ट फ्रॉम मी नाउ हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दैट इज वायरल डिजीजेज ठीक है अगर हम एनसीआर की बात करें मैंने आपको कहा था जब भी आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे यू मस्ट हैव यूर एनसीआरटी हालांकि क्योंकि आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं कई सारी डिजीजेस आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ा रही हूँ जो नी, जो एनसीआर में नहीं दे रखी है बिकॉज दे आर फ्रिक्वेंटली आज इन नीट एग्जाम्स ठीक है बट अगेन आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको उन डिजीजेस पे फोकस करना है विच आर गिवन इन एनसीआरटी क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रेफरेंस दी जाएगी वो उन्हीं को दी जाएगी बट जो कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं एडिशनल डिजीजेस के बारे में तो इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर दैट क्रेडिट क्वेश्चन ऑल्सो टू गेट अ गुड रैंक तो आपको फिर वो डिजीजेस भी लर्न करनी है विच आर नॉट गिवन इन एन ठीक है तो हम दोनों ही तरह की डिजीज़ हमारे टेबल्स में कवर कर रहे हैं ठीक है वायरल डिजीज पे जाने से पहले एक छोटी सी बात और जो आप लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज़ का चार्ट बनाया था बच्चों उसमें लास्ट में एक नोट डाल के आप लोग एक एडिशन कर दीजिएगा बैक्टीरियल एस का नाम लिख दीजिएगा सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि यू you नो know, कि ये जो सेक्चुअल uh, सेक्चुअली uh, ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ठीक है बट स्टिल क्योंकि आप सारे डिजीजेस को एक साथ टैबुलर टैबलेट कर रहे हैं तो सिर्फ नाम लिखा होगा तो आपको रिवीजन के वक्त की बात ध्यान आ जाएगी ठीक है तो जो आपने टेबल बनाई थी उसमें नीचे एक नोट डालकर बैक्टीरियल एसटीडीज के नाम लिख दीजिए जो कॉमन बैक्टीरियल एसटीडीज हैं कौन कौन सी हैं वो दैट इज़ वन इज गोनोरिया वन इज सिफिलिस गोनोरिया सिफिलिस ठीक है उनके जो पैथोजन्स हैं वो आप उनके uh, उनके नाम आप उसमें लिख दीजिएगा एंड वन इज़ क्लेमाइडीएस और भी बहुत सारी हैं बैक्टीरियल एस टी डी बट कॉमनली जो नीट में ऑप्शन में होती हैं तो वो मैंने आपको नाम बता दिए हैं ठीक है सिफिलिस क्लेमाइडियासिस एंड गोनोरिया तीनों के पैथोजन आपको पता है ना सिफिलिस बाय ट्रिपोनामा पैलेडम गोनोरिया बाय नाइजीरिया गोनोरी और क्लेमाइडियासिस बाय क्लेमाइडिया ठीक है क्लियर आगे बढ़े चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ दैट इज वायरल डिजीजेस वायरल डिजीजेस में बच्चों एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सिर्फ एक डिजीज डिस्कस की है वायरल डिजीज में दैट इज कॉमन कोल्ड हाँ आगे इस चैप्टर में एड्स जरूर डिस्कस कर रखा है जो कि एच से होता है अगेन अ वायरल डिजीज एंड ऑल्सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना बट यहाँ जहाँ पे हम सारे कॉमन डिजीजेस डिस्कस कर रहे हैं वहाँ एन ने सिर्फ और सिर्फ कॉमन कोल्ड के बारे में डिस्कस किया है बट एज यू नो आप लोगों ने अगर नीट के प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे गो थ्रू हुए होंगे आप उनसे तो आपने कई सारे नाम देखे होंगे पेपर्स में रेबीज पोलियो है ना स्वाइन फ्लू वेरी कॉमनली बहुत जो टू थाउजेंड फिफ्टीन में स्वाइन फ्लू का बहुत आउटब्रेक हुआ था हालाँकि अभी कोविड जितना सीरियस नहीं हुआ था उसमें बहुत ही कम डेथ हुई थी और बहुत ईजीली उसको कंट्रोल कर लिया गया था बट स्टिल उसका आउटब्रेक था टू थाउजेंड फिफ्टीन में ठीक है और क्योंकि रिसेंटली वी ऑल आर सफरिंग विद द पैंडमिक कोविड एंड कोविड इज विच टाइप ऑफ डिजीज येस इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ नोन एज कोरोना वायरस तो कोविड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पर लेंगे नीट में पूछा जा सकता है करंट टॉपिक है तो एम्स में तो पूछे ही जाते थे इस तरह के करंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन बट क्योंकि एम्स अब मर्ज हो गया है नीट में तो मे uh, बी नीट में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोविड के बारे में भी होनी चाहिए एंड जो एक बहुत कॉमन डिजीज हैं पॉक्स जिनको आप कहते हैं स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स है ना मिजल्स मम्स ये सब नाम कहीं ना कहीं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप कोई भी चैप्टर पढ़ते होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आप सब आप इन सब नामों से Uh, आपका इनकाउंटर हुआ होगा ठीक है तो uh, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनमें क्या सिम्टम्स हैं कौन सा वायरस इन्हें कॉज करता है उनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम हाँ बट टेबुलर फॉर्म में उनको हम समराइज़ करेंगे सो दैट यू कैन अटेंड एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस वायरल डिजीज इफ आस्ट इन योर नीट एग्जाम ठीक है क्लियर तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वायरल डिजीजेज में फर्स्ट डिजीज ले, ले लेते हैं बच्चों हम जो एन सी आर टी से ही स्टार्ट कर लेते हैं दैट इज़ कॉमन कोल्ड जैसा कि नाम बता रहा है कॉमन कोल्ड क्यों इसको कॉमन कोल्ड नाम दिया गया है येस yes, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन है ना बहुत कॉमनली ये देखी गई है बहुत ईजिली लोगों में रहती है और सबसे ईजिल ट्रीटेबल वायरल डिजीज़ है ये कॉमन कोल्ड ठीक है इसका वायरस पैथोजन की बात करें हम तो यू ऑल नो इसका पैथोजन है राइनो वायरस यू नो राइनो वर्ड बायो में नोज़ के रेफरेंस में आता है ना किसके रेफरेंस में आता है बच्चों नोस के रेफरेंस में तो यहां पर ये जो राइनो है, ये क्या है? ये 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 जो जो है 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 क्या एक 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 ठीक वैसे देखिए और कौन सा एक है, कौन सा सा चीज आप लोग में पढ़ चुके होंगे जब आपने वायरस में पढ़ा था बट यहां पर भी आपका रिवीजन होता जाएगा साथ साथ में तो हम हर पैथोजन के साथ में लिखते जाएंगे ठीक है क्लियर चलिए मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन की बात करें हम यू ऑल नो जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वायरस में ठीक है वो सब कैसे ट्रांसमिट uh, होंगे बच्चों यस बाय द ड्रॉपलेट्स है ना ड्रॉपलेट्स के साथ साथ मैंने आपको बताया था फोमाइट्स क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग या स्नीजिंग करता है तो उसके ड्रॉप्स में वो वायरस होता है द ड्रॉप्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट्स वी यूज है ना जो सरफेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स पेन pen है पेंसिल है कीबोर्ड्स हैं माउस हैं एनी जो भी वो यूज़ कर रहा है उस पर वो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और अगर हम हम उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं तो वो वायरस हमें हमारे बॉडी uh, तक ट्रांसफ़र होता है एंड देन वी टच आर नोज़ और माउथ विद दो हैंड्स तो वो हमारे अंदर भी चला जाता है सेम जो कोविड में भी हो रहा है है ना इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने हैंड वॉश कीजिए क्योंकि क्या पता आपने किन किन चीज़ों को टच किया और किस चीज़ पर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हूँ ठीक है और डायरेक्टली तो इन्हेलेशन के थ्रू हो ही सकता है अगर आप नियर जाएंगे किसी भी ये जितनी भी वायरल डिजीज हैं बच्चों फ्लू वाली इंक्लूडिंग कोविड कॉमन कोल्ड या स्वाइन फ्लू है ना या इन्फ्लुएंजा इन सभी में ये बात कॉमन है कि यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस विद द पेशेंट क्योंकि अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो इनहेल एक्सहेल तो कर ही रहा है ब्रीथ तो कर ही रहा है तो उसके लंग्स में वायरस है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में वायरस है तो वो वायरस एयर में आ रहे हैं और क्या होगा आप अगर बहुत उसके पास में हैं तो वो आपके बॉडी में भी चले जाएंगे एंड यू विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड ठीक है तो इसीलिए स्पेशली कफिंग स्नीजिंग में तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो वायरस आएंगे आएंगे इसीलिए आपको बार बार सोशल डिस्टेंसिंग पर लेक्चर दिया जा रहा है दैट यू हैव टू फॉलो ठीक है क्लियर तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों अपना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ठीक है या फिर फोमाइट्स फोमाइट्स से भी तो होगा ये फोमाइट्स का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ ठीक है सिम्टम्स की बात अगर हम करें तो सिम्टम्स में टारगेट uh, ऑर्गन अच्छा ये जितने भी हम फ्लू या रेस्पिरेटरी डिजीज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों इनमें आपको ध्यान होगा हमने बैक्टीरियल डिजीज में भी निमोनिया डिस्कस किया था निमोनिया में क्या था निमोनिया में टारगेट ऑर्गन थे हमारे लंग्स यस और नो मैंने आपको लिखवाया था वहाँ पे कि जो निमोनिया का पैथोजन है कौन सा था हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और एल्वियोलर वॉल को डैमेज करता है इसीलिए वो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है बहुत बार ठीक है बट जो कॉमन कोल्ड है और निमोनिया इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि कॉमन कोल्ड का वायरस राइनो वायरस कभी भी लंग्स तक नहीं पहुंचता है इट इज़ ऑलवेज लिमिटेड टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बस विंड पाइप तक ही पहुंचता है तो जो भी हमें ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं इसमें कि गले में खराश होना आवाज का भारी होना है ना नेजल कंजेशन नेजल सिक्रीशंस का बढ़ना ये सब सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही लिमिटेड रहेगा तो लंग्स हमारे बहुत ही सेफ होते हैं कॉमन कोल्ड में इसलिए कॉमन कोल्ड अपने आप ही सही हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन तो बहुत इजीली आप नीट में अगर ऑप्शंस होते हैं आप चूज कर सकते हैं ये बात कॉमन कोल्ड तो हर किसी को हुआ ही होगा ठीक है तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है दैट इज वॉट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक टारगेट ऑर्गन इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इसको हम यू आर टी लिख लेते हैं अभी क्योंकि और भी जगह हम रिपीट करेंगे इसको ठीक है और सिम्टम्स इसके हो जाएंगे बच्चों सिंपली यू ऑल नो नेज़ल कंजेशन फीवर जनरली कॉमन कोल्ड में नहीं आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं है तो बॉडी को अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ता है ठीक है नेजल कंजेशन होता है या फिर कभी कभार नेज़ल कंजेशन नेज़ल कंजेशन का मतलब म्यूकस का भर जाना और नोज़ का बहुत ब्लॉक हो जाना या इसका ऑपोजिट रनिंग नोज़ भी हो सकता है है ना यहीं पर लिख देते हैं हम या फिर पेशेंट कैन हैव रनिंग नोज ठीक है आ, अगर हमेशा कंजेशन आप समझ रहे हैं क्यों हो रहा है क्योंकि म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो अगर म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो गले में भारीपन भी आएगा आवाज में तो एक सिम्टम हो गया इसका हॉर्सनेस इन वॉइस और जैसा कि आप सबने फील किया होगा कि इसमें गले में खराश भी हो जाती है उसी को हम कहते हैं सोर थ्रोट ठीक है सिंपल क्लियर इसमें कहीं भी आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स में डिस्निया या M5C, damage, या एम्फाइसी वॉल का डैमेज साइनोसिस ब्लूइश होना इस तरह के सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होंगे कॉमन कोल्ड में कभी आपने ना सुना होगा ना फील किया होगा ऐसा कोई भी सिम्टम ठीक है बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं इसमें क्लियर तो नेजल कंजेशन हो गया हॉर्सनेस इन वॉइस या सोर थ्रोट ओके क्लियर बाकी आप इसमें डिस्निया वगैरह एड मत करिएगा क्लियर ठीक है ओके देन अब आते हैं हम ये तो हुआ कॉमन कोल्ड से रिलेटेड चीज़ें ठीक है और भी अगर एक दो चीज़ें आपके एन में थोड़े बहुत माइल्ड फीवर वगैरह नहीं होगा हाँ हल्का सा बॉडी एक वगैरह हो सकता है तो दैट यू कैन एट ठीक है चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ पर दैट इज़ इन्फ्लुएंजा फ्लू ले लें ले, अब हम इसी से मिलता जुलता बिल्कुल कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे इन्फ्लुएंजा में इन्फ्लुएंजा को ही हम बच्चों कॉमन लैंग्वेज में फ़्लू कहते हैं हालांकि जो स्वाइन फ्लू है वो भी एक तरीके का फ्लू है बट वो थोड़ा सा इससे अलग है क्योंकि उसका कॉजिंग जो वायरस है वो भी डिफरेंट है ठीक है तो इन्फ्लुएंजा का पैथोजन दैट इज ऑर्थोमिक्सो वायरस कहीं कोई चीज बताने से रह नहीं जाए इसलिए आई हैव मेक माई ओन नोट्स ऑल्सो ठीक है तो ऑर्थोमिक्सो वायरस क्लियर या आप ध्यान रखिएगा अब हम वो डिजीजेस पढ़ रहे हैं जो एनसीआर में नहीं है बच्चों सिर्फ एनसीआरटी में वायरल uh, डिजीज में दिस इज ओनली गिवन ठीक है क्लियर मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम रहेगा ड्रॉपलेट्स फोमाइट्स सिम्टम्स पे आ जाते हैं सिम्टम्स में फ्लू में भी ये जो इन्फ्लुएंजा है ना बच्चों इसमें भी जो टारगेट ऑर्गन है तो फ्लू इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कॉमन कोल्ड से डिफरेंट बात ये है कि एक तो फ्लू थोड़े ज्यादा दिनों के लिए रहता है दस पंद्रह दिनों के लिए रहता है ठीक है और इतने दिन रहता है हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है तो फिर हमें साथ में कहीं ना कहीं डॉक्टर एंटीबायोटिक भी देते हैं बट यू नो ना दैट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं ठीक है तो फिर वायरल डिजीज़ में क्यों दी जाती हैं जस्ट इसलिए कि हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो हमारे आसपास जो बैक्टीरिया हैं वो हमें इन्फेक्शन करेंगे और कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए हमें तो इसलिए उन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए अगर कोई वायरल डिजीज़ थोड़ी लॉन्ग टाइम तक रह रही है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं बट आपको पता होना चाहिए कि उन एंटीबायोटिक्स का इस वायरस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा दे आर जस्ट एज अ प्रिवेंटिव ड्रग्स वो हमें दी जाती हैं प्रिवेंशन के लिए ठीक है क्लियर तो आ, जो इन्फ्लुएंजा है उसमें भी जो टारगेट ऑर्गन है वो नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रहेगा सिम्टम्स आर लिमिटेड टू दिस और जो सिम्टम्स हैं सेम एज कॉमन कोल्ड जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो तो होंगे ही सेम एज़ कॉमन कोल्ड बट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर टेन टू फिफ्टीन डेज ठीक है यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं दे आर लिमिटेड टू यहाँ पर चलिए हम एक चीज़ और लिख देते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ जनरली थ्री टू फोर डेज में सही हो जाता है ठीक है क्लियर चलिए देन सेम एज कॉमन कोल्ड इसके अलावा और क्या होता है क्यों फ्लू थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक uh, है क्योंकि इसमें एक्यूट हाई फीवर रहता है पेशेंट को ठीक है बहुत तेजी से फीवर आता है एंड uh, कभी कभार एज अ कॉम्प्लिकेशन इसमें कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया भी हो जाता है so, मैंने कहा ना कि बैक्टीरिया सेकेंडरी वही निमोनिया वही करेगा जो निमोनिया का पैथोजन है हिमोप्लस इंफ्लुएंजी ठीक है बट क्यों हो जाएगा वो आप समझ गए क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है इसमें ठीक है क्लियर तो एज अ कॉम्प्लिकेशन द पेशेंट में सफर फ्रॉम द निमोनिया ओके तो ये आपके इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हो गए हैं ठीक है थीके? अगर नीट में जनरली इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड पे क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएट करवा लेंगे आपसे यह सिम्टम्स की लिस्ट होगी ठीक है सो यू हैव टू एक्यूट हाई फीवर के साथ यहाँ ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है बच्चों ठीक है ब्रोंकस में इन्फ्लोमेशन आ जाएगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहेगा ये इन्फेक्शन ठीक है क्लियर चलिए देन नेक्स्ट आता है हमारा स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू का स्वाइन फ्लू का वायरस यू नो स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है आपने पढ़ा होगा नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों इट इज़ कॉज बाय एच वन एन फाइव ठीक है एच वन एन फाइव वायरस है इसका और यहीं पर आप ध्यान रखें इसलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देती हूँ बच्चों क्योंकि जब भी ऑप्शन में एच वन एन फाइव होता है ना तो साथ में एक एच वन एन वन और होता है वो होता है बर्ड फ्लू आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ना स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इसी का जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है उसमें दिया हुआ है कि बर्ड्स में पोल्ट्री में जो कॉमन डिजीज है इन्फेक्शन डिजीज दैट इज बर्ड फ्लू तो बर्ड फ्लू का वायरस भी इसी कैटेगरी का एक वायरस है बट दैट इज एच वन एन वन तो हम यहाँ लिख कर रखेंगे तो हमें ध्यान रहेगा दोनों को मिक्स नहीं करना है ठीक है अगेन ये सब वायरसेस जो मैं लिख रही हूँ बच्चों दे ऑल आर आर एन ए वायरसेस ठीक है ये सब आर एन ए वायरस हैं जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ेंगे ना वो सब आर एन ए वायरसेस होंगी सिर्फ जो दो डिजीज़ हम पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स उन दोनों के वायरस डी एन ए वायरस हैं अदरवाइज जितने भी डिजीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं दे ऑल आर आर एन ए वायस ठीक है क्लियर ओके देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम रहेगा इसका भी ड्रॉपलेट्स फोमाइट्स ठीक है स्वाइन फ्लू में भी जैसे इन्फ्लुएंजा में सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं ऐसे ही अच्छा एक चीज और सिम्टम्स से पहले यहाँ पे ये स्वाइन वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है आप सब लोगों को पता होगा ये yes, कि इसका जो वायरस है वो आइसोलेट किया गया था सबसे पहले पिग से या उसका जो ओरिजिन है वो ऐसा माना गया था कि इसका जो ओरिजिन है वो सबसे पहले पिग में हुआ था ठीक है वहाँ से ये वायरस स्प्रेड हुआ जैसे कोविड के लिए बोलते हैं ना कि कोविड का जो कोरोना वायरस है इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैट्स एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर जो स्वाइन फ्लू है वो ओरिजिन uh, जो हुआ था इसका वो पिग में हुआ था इसलिए पिग वर्ड का पिग स्वाइन फ्लू स्वाइन वर्ड जो है वो पिग्स के लिए यूज़ होता है सनॉनिम है इस पिग्स का ठीक है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया स्वाइन फ्लू ठीक है क्लियर देन स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स में बचों यही होगा सेम टारगेट ऑर्गन इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तो रहेगा ही कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आएंगे बल्कि फ्लू के सिम्टम्स आएंगे सेम सिम्टम्स ऑफ फ्लू इन्फ्लुएंजा ठीक है क्लियर एंड प्लस इसके साथ इसमें कभी कभार पेशेंट को फीवर के साथ चिल्स या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का प्रॉब्लम भी हो जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी होती है इसीलिए स्वाइन फ्लू को थोड़ा सा सीवियर फॉर्म माना गया था बट फॉर्चुनेटली uh, हमने इसको कंट्रोल कर लिया था ठीक है तो इसके बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हुए थे थोड़ा सा आउटब्रेक बस इसका ज़रूर हुआ था ठीक है दिस इज़ अबाउट स्वाइन फ्लू क्लियर देन नेक्स्ट आता है स्वाइन फ्लू के बाद नेक्स्ट डिजीज़ हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर वी हैव स्पेस और शुड आई इरेज द अपर वन चलिए ठीक है आप इसका एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं और एडिशन कर सकूँ ठीक है तो मैं ऊपर के जो डिजीज़ हमने लिखे हैं उनको एक बार इरेज कर देती हूँ तब तक आप इसको नोट डाउन करिए बच्चों हाँ जी बच्चों तो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड इरेज कर दिया है हम डायरेक्टली नेक्स्ट डिजीज पर आते हैं दैट इज़ फोर्थ वन स्वाइन फ्लू के बाद सार्स इस पर भी आपको बहुत कॉमनली क्वेश्चन मिल सकते हैं बच्चों नीट में सार्स की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है इट इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ठीक है बहुत ज़्यादा डिटेल में बात तो हम नहीं करेंगे हर डिजीज के बारे में अदरवाइज सारा टाइम वायरल डिजीजेज में ही लग जाएगा ठीक है बस इन शॉर्ट हम देख लेते हैं कि जो सार से इसका भी बच्चों आउटब्रेक हुआ था चाइना में 2003 में ओके okay, तब तो शायद आप में से कुछ होंगे भी नहीं ठीक है तो सार्स का जो आउटब्रेक था वो 2000 और अगर होंगे तो बहुत छोटे होंगे तो सार्स का जो आउटब्रेक है वो 2003 में चाइना में हुआ था और फिर ये कुछ कुछ कंट्रीज में और फैला था बट अगेन कोविड जितना सीरियस नहीं था हाँ बट एक जो कॉमन बात है वो ये कि सार्स का वायरस भी बच्चों यू नो कोरोना वायरस ही है सार्स का जो वायरस है उसको कोरोना वायरस कहा जाता है सिंपली तो जो प्रेजेंट जो डिजीज़ है हमारी दैट इज कोविड वो कैसे डिफर करती है क्योंकि कोविड में जो पैथोजन है वो है कोरोना वायरस टू ठीक है अगेन इट इज़ इसका पूरा नाम देखा जाए तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो इसका नाम इस तरह लिखा जाता है सार्स कोरोना वायरस टू बिकॉज दिस इज़ द कॉमन ग्रुप ऑफ वायरसेस ठीक है एंड अगेन दे आर दे ऑल आर आर एन ये सभी मैंने आपको जैसा शुरू में कहा ये सब आर वायरस हैं ठीक है साथ साथ में हम कंपेयर करके देखते जा रहे हैं दोनों डिजीजेस को कोविड की फुल फॉर्म यू ऑल नो सी ओ स्टैंड फॉर कोरोना है ना वी आई इस फॉर वायरस कोरोना वायरस डिजीज और इसके आगे 19 क्यों लिखा जाता है बच्चों दैट यू नो ना बिकॉज इसका फर्स्ट केस जो है वो 2019 में यू नो वुहान सिटी चाइना कैसे भूल सकते हैं है ना वुहान सिटी चाइना में सबसे पहला केस देखा गया था ठीक है इसलिए आ, ये पूछा जा सकता है नीट में आप लोगों से बिकॉज इट इज़ अ रिसेंट डेटा क्लियर तो सार्स इसका ये वायरस हो गया है ये इसका मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है कोरोना वायरस इसका नाम कोरोना वायरस क्यों है वो भी आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये वायरस सबसे पहले साइंटिस्ट को मून के शेप में दिखा था अ पार्ट ऑफ मून उसके लिए कोरोना टर्म यूज़ की जाती है दैट्स वाई इसका नाम कोरोना रखा रखा गया ठीक है मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन की बात करें तो आप सब मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन तो आप सब देख ही रहे हैं दैट इज़ ड्रॉपलेट या फोमाइट सार्स का भी सेम ही है ठीक है ड्रॉपलेट से फैल रहा है ये या फिर फोमाइट्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में इन्हेलेशन भी आ गया ठीक है क्लियर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दोनों में ही जो सिम्टम्स हैं अच्छा इन दोनों में जो प्रीवियस तीन डिजीज हमने पढ़ी उनसे ये दोनों क्यों डिफ़र करते हैं क्योंकि इन दोनों में वायरस विल एंटर टू द लंग्स और लंग्स को डैमेज करता है ये सार्स ग्रुप के वायरसेस की खास बात है जो इसे बाकी फ्लू से डिफरेंट बनाती है ठीक है तो यहाँ पर दोनों ही केसेज में जो टारगेट ऑर्गन है इन वायरसेस का वो बच्चों लंग्स होता है ठीक है इसलिए अलोंग विथ फ्लू सिम्टम्स फ्लू सिम्टम्स तो आएंगे ही ना क्योंकि वायरस जो है वो लंग्स से हो, सीधा लंग्स में लंग्स से लंग्स लंग तक कहां से जा रहा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ ही जा रहा है तो लंग्स अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप साथ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तो लिखेंगे ही लिखेंगे ठीक है तो अलोंग विथ फ्लू सिम्टम्स और क्या क्या होता है इसमें बच्चों इन वाले डिसऑर्डर्स में कि जनरली लंग्स में डैमेज स्टार्ट हो जाता है और लंग्स में अगर डैमेज स्टार्ट होगा एल्वियलर वॉल को इफ़ एल्वियोलर वॉल इज डैमेज तो मैं आपको निमोनिया में बता चुकी हूँ क्या होता है इफ एल्वियोलर वॉल इज डैमेज तो इट विल कॉज डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है ना डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड हाइपोक्सिया होगा क्या बच्चों यस हाइपोक्सिया भी होगा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी टिश्यूज़ में या नहीं होगी ऑक्सीजन डेफिशियंसी क्लियर आपको जनरली मैंने देखा है बच्चे बोलते हैं कि मैम सिम्टम्स हमें रटने पड़ते हैं हमें याद नहीं होते हैं बट आई डोंट थिंक कि अगर आपको उस डिजीज़ के बेसिक्स पता हैं तो आपको सिम्टम्स कहीं से भी रटने की जरूरत है आपको पता है वो डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उस डिजीज़ का वायरस अल्टीमेटली किस ऑर्गन को टारगेट कर रहा है तो बस उस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डैमेज बॉडी में हो रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइनोसिस भी होगा मैं आपको मैंने आपको ये सब निमोनिया में बताया था साइनोसिस का मतलब ग्रे ब्लूइश डिसकलरेशन है ना ग्रे ब्लूइश डिसकलरेशन किस चीज़ का नेल्स एंड नेल्स एंड ऑफ नेल्स एंड लिप्स क्लियर तो ये इसके सिंपली कॉमन सिम्टम्स हुए और सेम के सेम सिम्टम्स बच्चों रिपीट हो जाएंगे कोविड में ठीक है और प्लस इन सब में फ़्लू के सिम्टम्स हैं मतलब फ़ीवर एंड ऑल तो हमने लिख ही दिया है ठीक है बाकी हालांकि कोविड की बात करें तो कोविड में तो और भी कई सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं आप लोग करंटली इन सारी चीज़ों से हम सब फ़ेस कर रहे हैं है ये कही ना ये कहीं ना कहीं हम जैसे कि कोविड में एक सिम्टम है ये कहीं ना कहीं हमारे कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है जो कोविड का वायरस जब ये बहुत दिनों तक बॉडी में रहता है जो उसका टाइम पीरियड है टेन टू फिफ्टीन डेज़ तो 15 ये हमारे ब्लड को गाढ़ा बना देता है और ब्लड क्वाग्युलेट होने लगता है जगह जगह क्लॉट्स बनने लग जाते हैं ब्लड के जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है ठीक है तो इसको कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स पे भी इसके इफेक्ट देखे गए हैं बट इतना डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी डिटेल में क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे सब मेडिकल स्टूडेंट्स को इतना डिटेल पढ़ना होता है आप तो बस कोविड के लिए उसके वायरस का नाम याद रखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर ठीक है क्लियर